गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स, वेलकम टू क्लास। आई एम फाइनल स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम क्लास में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त प्रशासन। ठीक है, गुप्तों का प्रशासन। देखिए, हम लोगों ने क्लास में गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस तरह गुप्त साम्राज्य को सामंत होते थे मगध के, उससे मुक्त करवाकर अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया। ठीक है, इसके पश्चात उसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, जिसके समय में क्या है, गुप्त जो शासन है उसका खूब विस्तार हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वो ऊंचाई की बुलंदियों को छू गया। ठीक है, आज हम लोग इन गुप्तों की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा कि इन्होंने, ये जितने भी गुप्त शासक हुए हैं, इन्होंने न केवल अपनी विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपितु वो जो साम्राज्य इन्होंने बनाया उसको सुदृढ़ शासन व्यवस्था भी प्रदान की। क्योंकि ये लोग जानते थे कि केवल साम्राज्य का विस्तार ही नहीं करना है, बल्कि जो विस्तार किया वह जो साम्राज्य है उसमें एक अच्छी शासन व्यवस्था भी बनानी है, ताकि क्या हो, ताकि जो हमारा शासन है वो जो शासन है वो लगातार चलता रहे और आने वाली विजयों के लिए हमें हमारी जनता का सहयोग प्राप्त होता रहे और हमारा साम्राज्य क्या है बना रहे। अगर अच्छी शासन व्यवस्था होगी तभी शासन क्या है, प्रशासन क्या है, राजा क्या है, बना रहेगा। तो देखिए, अगर हम गुप्त प्रशासन की बात करते हैं तो जितने भी गुप्त राजा हुए हैं इनका एक ही उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था प्रजा की भलाई। अतः इन्होंने जो अपना शासन के जो भी नियम बनाए उसमें प्रजा की भलाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा। ठीक है, गुप्त सम्राटों के समय चीनी यात्री हमारे यहाँ आए थे, महात्मा बुद्ध की धर्म जन्मस्थली का दर्शन करने। तो जो फायान आया था तो फायान ने गुप्त सम्राटों के शासन प्रबंध की काफी प्रशंसा की है। ठीक है, देखिए, वैसे जी जो गुप्तों का शासन था, इसकी जो नींव थी या इन्होंने ये जो शासन व्यवस्था थी कहाँ से ली थी, इनकी जो शासन व्यवस्था थी, जो मौर्यों के शासन की व्यवस्था थी वही इनके शासन की व्यवस्था थी। मतलब मूल रूप से इन्होंने मौर्यों की शासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एक इन्होंने बदलाव कर दिए थे, कुछ कर्मचारियों नए कर्मचारी ऐड कर दिए, कुछ नए मंत्री ऐड कर दिए, उनके नामों में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, लेकिन इनका जो मूल ढांचा था शासन का वही मौर्यों वाला ही था। ठीक है, तो मौर्यों का प्रशासन काफी सुदृढ़ था, इसीलिए तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम इस गुप्तों की शासन नीति के बारे में भी जाना कि इनकी जो नीति थी वो क्या थी, प्रजा की भलाई। ये अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति समझते थे और उनका कल्याण करना ही इनके शासन का उद्देश्य था। ठीक है, इनके सिद्धांत कठोर नहीं थे शासन के, है ना, लेकिन इनका एम जो था वो था देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, अतः गुप्तों ने पहले एक निश्चित योजना बनाई थी कि इस तरह शासन चलाएंगे। एक निश्चित योजना के अनुसार एक आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्रजा की भलाई। ठीक है, तो अब गुप्तों के प्रशासन को देखते हैं। देखिए, गुप्त प्रशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है केंद्रीय शासन, केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्रीय शासन, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारा भारत, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली, केंद्रीय शासन, केंद्र, सेंटर, वही दिल्ली, जहां से पूरे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, इस तरह जैसे मौर्यों का साम्राज्य बहुत विशाल था, अतः उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक भागों में विभाजित किया था ताकि शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहे। जैसे देखिए, हम अपने यहाँ बात करते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली,
अब कोई भी घटना घटित होती है प्रधानमंत्री हर जगह तो ना भाग सकता है, तो पूरे भारत को किस में बांटा हुआ है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में बांटा हुआ है, हाँ। और राज्यों का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, फिर आगे राज्य क्या है, जिलों में बटे हुए हैं, ठीक है। जैसे अपना राजस्थान एक राज्य है, गंगानगर क्या है, राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है, ठीक है। और फिर जिले क्या है, आगे नगरों में या तहसीलों में बटे हुए हैं। जैसे हम बात करें पदमपुर क्या है, तहसील ही है, करणपुर क्या है, तहसील ही है, ठीक है। और उसके बाद ये तहसीलें कैसे बनती हैं, गांवों से बनती हैं, ठीक है। जैसे इतने गांव हैं तो इस तहसील के अंतर्गत आते हैं, इस तहसील के अंतर्गत आते हैं। तो मौर्यों ने भी अपने शासन को इस तरह कुछ भागों में विभाजित किया था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय शासन जैसे भारत, प्रांतीय शासन जैसे हम लोग वर्तमान में कह देते हैं राज्य, उस समय क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। जैसे राजस्थान एक राज्य है, राज्य आज हम राज्य कहते हैं, उस समय वो लोग क्या कहते थे, प्रांत कहते थे, ठीक है। और फिर जिले, राज्य जैसे जिले में बटे हुए हैं हमारे भी, तो इनके भी क्या होता है, जिले का प्रशासन, राज्य जिलों में बटे हुए हैं, जिले नगरों में बटे हुए थे, ठीक है, और नगर गांवों में बटे हुए थे, ठीक है। तो इस तरह मुद्दों की शासन व्यवस्था का हमने आधार बेस पढ़ा। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय शासन की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय शासन की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रधान अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। राजा राज्य का या शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, या हम कह सकते हैं कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट ही होता था, ठीक है। और ये जो राजा होता था, इसका जो पद है, ये क्या होता था, वंशानुगत होता था। वंशानुगत से तात्पर्य ये है कि राजा के मरने के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता था, ठीक है। देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि कई बार ये राजा लोग अपने मरने से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। जैसे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम बैठा हुआ था गद्दी पर, चंद्रगुप्त प्रथम ने मरने से पहले ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था या मनोनीत कर दिया था, ठीक है। तो वही बात आ गई ना, राजा का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था, मतलब राजा के बाद उसका पुत्र ही उसकी गद्दी का अधिकारी होता था, ठीक है। और ये जो राजा होते थे ये देवीय सिद्धांत पर कार्य करते थे, कि इन ये कहते थे कि हमारी जो शक्तियां हैं वो हमें देवताओं से मिली हैं, हमारे अंदर जो पावर है वो देवों की पावर है, ठीक है। तो जनता जो थी वो भी इनका देवीय सिद्धांत मानते हुए देवताओं की भांति अपने राजाओं का आदर करती थी, ठीक है। और अब हम इन गुप्त राजाओं की बात करते हैं, तो ये जो गुप्त राजा थे ये अपने नाम के साथ अनेक उपाधियां धारण करते थे, ठीक है। अगर हम गुप्त सम्राटों की उपाधियों की बात करते हैं, तो गुप्त सम्राटों ने महाराजा, धीराज है, सम्राट है, ब्रह्मेश्वर है, ठीक है, चक्रवर्ती है, ठीक है, इस तरह अनेक आडंबर पूर्ण उपाधियां धारण की थी, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक है, देवराज है, परमेश्वर है, परम भटनागर है, आदि उपाधियां धारण की थी, ठीक है। तो अब देखिए राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती थी वो इसी राजा के हाथों में ही होती थी। जैसे कि हम लोगों ने भी भारत की बात की थी, इसी तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए एक शासन के अंतर्गत व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका कार्य होता है कानून का निर्माण करना, ठीक है। फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम होता है कि व्यवस्थापिका ने जो कार्य कानून बनाया है उस पे कार्य करना। और तीसरी शासन की जो शक्ति है वो न्यायपालिका, जिसका काम है कि व्यवस्थापिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे क्या देती है, दंड देती है। देखिए हमारे शासन में इन तीनों शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों के पास है, व्यवस्थापिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र है, लेकिन गुप्त सम्राटों में क्या था, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वहां क्या होता था, राजतंत्र होता था, राजा का शासन है तो राजतंत्र होता था, राजतंत्र था तो ये शासन की जो तीनों शक्तियां
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की, ये तीनों शक्तियां किसमें निहित होती थी? ये तीनों शक्तियां इसी राजा में ही निहित होती थी। राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी पदानुक्ति, उन्हें कार्य से मुक्त करना, ये सारी शक्तियां राजा के हाथों में निहित थी। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने मौर्यों के प्रशासन की रूपरेखा पढ़ी और ये जो अगला टॉपिक है मंत्री परिषद केंद्रीय शासन के अंतर्गत, इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।